Hi everyone, welcome to our tarot session, tarot class. Okay, so before we go ahead, what is tarot? Tarot kya hota hai? So tarot is a divination. Now, what do you mean by divination? Divination basically means to dive into the world of secrets. So tarot is a divination जो हमारे को हमारे past, present और future तीनों को जब connect करता है. अब ये कैसे करता है? ये cards के through करता है. अब cards के through जब हम predictions करते हैं, अब predictions किस base पे करते हैं? Energy के base करते हैं. एनर्जी रीडिंग, इसको हम एनर्जी रीडिंग कहते हैं कि हम जब किसी भी इवेंट की, किसी भी इंसान की एनर्जी जब रीड करते हैं थ्रू कार्ड्स, तो हम उनके होने वाले भविष्य में क्या होने वाला है ये सब हम बता सकते हैं. उसके पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या है, ये सब हम बता सकते हैं. नाउ पीपल फील दैट टैरो इज अ फॉर्चून टेलिंग, ओके, बट अकॉर्डिंग टू मी आई डू नॉट टेक टैरो एज फॉर्चून टेलिंग. फॉर्चून टेलिंग का मतलब ये हुआ कि मैं ये बोलूं दैट आपके साथ ये होने वाला है, शिखा आपके साथ ना कल ये होगा. बट अगर मैं ये बोलती हूं कि टैरो के थ्रू हमें आने वाले कल का, हमें आने वाले वक्त का ऑब्स्टिकल्स, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज पता हो, स्ट्रेंथ्स पता हो, मतलब स्वेट स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, तो आने वाला जो वक्त है मैं उसमें उस तरह के स्टेप्स को उठा सकती हूँ, ले सकती हूँ. सो ये rather than fortune telling, it becomes more of guidance. ये एक guidance बन जाती है. अब अगर हम tarot की बात करते, where is it coming from? या tarot क्या था? Tarot जब start हुआ था, tarot was started as playing cards. But playing cards से कैसे ये इतनी बड़ी मोडालिटी में कन्वर्ट हुआ? देखो, पहले के एरा में इसको जब ड्रॉ किया गया था, इट वॉज ड्रॉन बाय पैमेला कॉल्समिथ. जो इसकी इमेजेस है, इट हैज बीन ड्रॉन बाय पैमेला कॉल्समिथ. अब जब ये लोगों तक पहुंचा, उस टाइम पर एक मिथ चलता था कि आपको कार्ड्स को या डेक को पहले किसी को फर्स्ट टाइम यू हैव टू गिव इट टू समबडी, यू ये एक गिफ्टेड होना चाहिए. बट मैंने जितना इस चीज को समझा है, जितना इस चीज की गहराइयों तक गई, वो ये है कि पहले के टाइम पे मार्केटिंग वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस चीज को करना शुरू कर दिया, दैट वी स्टार्टेड गिविंग और गिफ्टिंग टू पीपल. So that people come to know about tarot. People come to know what tarot is all about. So ye ek one of the myths hai that you know tarot has to be, the first deck has to be gifted. Of course, it has to be gifted because it is a spiritual thing. So you will not come to know the beauty of tarot until and unless somebody tells you about tarot. So टैरो के बारे में एक और मिथ चली कि टैरो जो है सिर्फ यू नो विचेस करती हैं, या टैरो जो है एक अंधेरे कमरे में रहकर करना होता है, क्योंकि पहले के जमाने में पिक्चर्स भी ऐसी दिखाई जाती थी, एक अंधेरी कोठरी जहां पर टैरो एक लेडी कर रही है और वहां पर एक बिल्ली है और एक रात का सन्नाटा है और सर करके एक हवा सी यू नो फ्लो करती है. पहले ऐसे ही दिखाया जाता था, इसको डिपिक्ट किया जाता.
बट क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? क्या हमें एक्चुअली में ऐसा होता है? नो, आंसर इज नो। उसका बेसिकली स्पिरिचुअल मीनिंग ये था, बिल्ली का जो एसोसिएशन था दैट वाज मिस्टिक, नोइंग द पावर्स ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। अब अंधेरा आइसोलेटेड घर क्यों? उसका कोरिलेशन क्या था? उसका कोरिलेशन था कि जब आपको ये करना है यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। इट इज नॉट अ कार्ड प्रिडिक्शन, इट इज नॉट समथिंग लाइक मैं आज सिर्फ जस्ट फॉर द यू नो मैं सिर्फ कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ और मैं एक कार्ड निकाल के बोल रही हूँ। इट्स नॉट, इट हैज सम वेरी डीप कनेक्शंस। नाउ कमिंग टू और क्या मिथ्स हैं, इसको सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, टैरो इज नॉट फॉर बॉयज, ट्रस्ट मी ओवर इट, आई हैव बीन डूइंग टैरो, मतलब मैंने टैरो के ऑलमोस्ट 30-40,000 स्टूडेंट्स पढ़ा लिए हैं अभी तक से, और मेरे हर बैच में एक लड़का जरूर होता है। तो ऐसा नहीं है कि टैरो जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, एनीवन कैन लर्न टैरो। अब ऐसा भी नहीं है कि टैरो कराने के लिए मैं आपके अंदर एक अलग से पावर डालने वाली हूँ, मेरे अंदर कोई जादू जादुई शक्तियां नहीं है, मेरे अंदर वही शक्ति है जो आपके अंदर है, ठीक है? तो ऐसी कोई बाहर की शक्तियां मेरे अंदर नहीं है जिससे मैं आपको अंदर टैरो डाल दूंगी, टैरो की शक्ति डाल दूंगी कि कल से आप टैरो रीड करना शुरू कर दो। कि हाँ, एक चीज जरूर है और वो ये है कि मैं आपको हैंड पकड़ कर टैरो की जर्नी करा सकती। अब एवरी ह्यूमन बीइंग इज ब्लेस्ड विद सम इंट्यूशन और दिया था, एज वी ऑल आर ब्लेस्ड विद सर्टन क्लेयर्स। अब वही इंट्यूशन आपको हेल्प करता है एनर्जी पिक करने। एंड विद टैरो, द मोर यू वर्क विद टैरो, आपकी उतनी ही एनर्जीज बेटर हो जाती है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो। अब हम सबसे पहले ये बात करने वाले हैं कि टैरो में कार्ड्स कितने होते हैं। पहला, सबसे पहले टैरो डेक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, मार्केट में दो किस्म के डेक्स चल रहे हैं, बहुत किस्म के हैं बट फेमस टू मैं आपको बता देती हूँ। वन इज द नॉर्मल ओरिजिनल टैरो डेक एंड वन इज रेडिएंट राइडर डेक, ठीक है? अब जिनको लगता है, कईयों को ये लगता है कि जी अरे ये नॉर्मल डेक्स अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं, ये ओरिजिनल है, ये रेडिएंट राइडर वेट है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ये वाला जो कार्ड है ओरिजिनल राइडर वेट और ये वाला जो कार्ड है ये रेडिएंट राइडर वेट का है। दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे देर इज सिमिलैरिटी, दोनों की पिक्चर सेम है, बट द कलर ओवर ईयर इज ग्रीन एंड द कलर ओवर ईयर इज ब्लू, विच इज द राइट कलर, दिस इज द राइट कलर। वाई इज इट ब्लू ग्रीन? बिकॉज पैमेला कॉल्समिथ, अब देखो यहां पर ना साइन दिया होगा, यहां पर पैमेला कॉल्समिथ का सिग्नेचर है। पैमेला कॉल्समिथ ने जिस टाइम पर इसको पेंट किया था उन्होंने वेजिटेबल कलर्स को यूज किया, सो हर कलर का एक इमोशन या हर कलर का एक मीनिंग है। सो द ब्लू कलर हियर डिपिक्स इमोशंस, हम ब्लू कलर से इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं। सो बिकॉज ब्लू कलर उस टाइम पे वेजिटेबल कलर ब्लू नहीं था, उन्होंने इसको ग्रीनिश कलर में रिप्रेजेंट किया है जबकि द ओरिजिनल कलर इज ब्लू ओनली। तो यहां पर आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा कि इट इज ब्लू इन कलर बट हियर यू डोंट हैव टू, मतलब याद नहीं करना पड़ता, यहां पर सामने है कलर ज्यादा प्रोमिनेंट है। सो माई रिकमेंडेशन इज डेफिनेटली दिस इफ यू आर अ बिगनर, अगर यू हैव दिस डेक द ओरिजिनल वन एंड यू आर वेरी गुड विद मेमोरी देन गो अहेड विद दिस। बट इफ यू वॉन्ट टू टेक टैरो एज अ प्रोफेशन
एंड इफ यू वॉन्ट टू रियली मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल देन ट्राई यूजिंग रेडियंट राइट अवे. नाउ हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन टैरो? देयर आर 78 कार्ड्स इन टैरो. ठीक है, नंबर वन, दीज 78 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मेजर आर्कना एंड माइनर आर्कना. अब मेजर आर्कना क्या है? मेजर आर्कना मीन्स मेजर लाइफ इवेंट्स, द लेसन्स दैट यू नीड टू लर्न. नाउ मेजर आर्कना में द कार्ड्स आर 22 कार्ड्स. इट स्टार्ट्स फ्रॉम शून्य. नाउ देर इज अ रीजन व्हाई आई डू नॉट कॉल जीरो एंड व्हाई आई कॉल इट शून्य. जीरो बेसिकली मीन्स नथिंग, नथिंग, नथिंग. आई एम जीरो, आई फील दैट यू नो आई एम जीरो, आई एम लाइक आई एम फिनिश्ड. बट वेन आई कॉल इट शून्य, वी ऑल हैव स्टार्टेड अ लाइफ फ्रॉम दी टाइनी एग ऑफ पोटेंशियलिटी. दैट इज वी ऑल हैव स्टार्टेड अवर जर्निंग जर्नी फ्रॉम नथिंगनेस. सो योर द शून्य मीन्स नथिंगनेस. यू आर स्टार्टिंग अ जर्नी फ्रॉम योर. नेक्स्ट, नाउ देर आर 21 कार्ड्स, 1 to 21, मैजिशियन से द वर्ल्ड तक. अब 1 से लेके 21 तक के कार्ड्स जो हैं, दे आर 21 कार्ड्स. 1 से 21 तक 21 कार्ड्स हैं. अब इसमें जब मैं शून्य का कार्ड मिला देती हूं, इट बिकम्स 22 कार्ड्स. क्लियर? Now, अब 78 में से जब मैं 22 कार्ड्स निकालती हूं, देन दीज कार्ड्स आर 56 इन नंबर. 56 कार्ड्स रह जाते हैं. अब 56 कार्ड्स को हम आगे कैसे डिवाइड करें? देर आर फोर कैटेगरीज. नंबर वन, कॉइंस, पेंटिकल्स. पेंटिकल्स जिनको हम कॉइंस भी कहते हैं. ठीक है, देन इज वॉन्ड, जिसको आप वैंड भी बोलते हैं कई लोग, वॉन्ड्स. ठीक है, थर्ड इज कप्स, कप्स. एंड फोर्थ इज स्वॉर्ड. इसको कैसे लेना है? देखो, देर आर फोर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या है? एयर. एयर कहाँ चलती है? हवा में. ठीक है ना, एयर क्या है? हवा, सॉरी, एयर हवा है. और स्वॉर्ड कहाँ चलती है? हवा में चलती है, राइट? तो स्वॉर्ड का एलिमेंट क्या होगा? एयर एलिमेंट होगा. क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज कप्स. कप हम पानी कप में डाल के पीते हैं, राइट? चाय भी कप में डाल के पीते हैं. दैट इज द वॉटर एलिमेंट. अब हमारे रिश्ते कैसे होते हैं? पानी की तरह फ्लो कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. सो कप्स इज इक्वल टू वॉटर एलिमेंट. क्लियर? और स्वॉट इज इक्वल टू एयर एलिमेंट. अब आता है हमारा पेंटिकल, पेंटिकल्स जो है, कॉइंस जो है. अब पेंटिकल जो है उसको हम अर्थ एलिमेंट कहते हैं. अर्थ क्यों? देखो भाई, धरती पे आए हो तो पैसा तो चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए.
रोटी कपड़ा और मकान पैसे से आएगा। सो कॉइन्स इज इक्वल टू अर्थ एलिमेंट। देन कम्स वॉन्ड। अब जो वॉन्ड है जिसको आप लक्कड़ कहते हो, अब जब तक आप लक्कड़ में आग नहीं लगाओगे तब तक हम खाना नहीं बनाएंगे। तो वॉन्ड इज इक्वल टू फायर एलिमेंट। नाउ दीज फोर कैटेगरीज, इनमें कार्ड्स कैसे आएंगे? अब हम स्वॉर्ड को लेते हैं, सॉरी अब हम पहले कप्स को लेते हैं। अब एस मतलब वन, अब यहां पे लिखा हुआ है एस ऑफ कप, ठीक है। एस से लेके 10 तक, दैट मींस एस ऑफ कप, टू ऑफ कप, थ्री ऑफ कप, फोर ऑफ कप, फाइव ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप, सेवन ऑफ कप, एट ऑफ कप, नाइन ऑफ कप, 10 ऑफ कप। देन कम्स टू स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड। देन कम्स टू पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। देन कम्स टू वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड। सो दैट मीन्स अगर एक कैटेगरी में 10 कार्ड है तो 10 × 4 इज इक्वल टू 40 कार्ड्स। सो हमारे 56 में से 40 कार्ड्स जो निकले हैं वो हमारे ये वाले निकले। देन वी आर लेफ्ट विद फोर कार्ड्स, फोर सॉरी सेगमेंट्स, दैट इज जिनको हम कोर्ट कार्ड्स कहते हैं। अब कोर्ट कार्ड्स क्या होते हैं? पीपल हु आर हेल्पिंग यू इन द सिचुएशन, जैसे राजा। राजा कौन हुआ? समबडी हु इज अबव द एज ऑफ 40। क्वीन, समबडी हु इज अबव द एज ऑफ 40। अब राजा और रानी के दो बच्चे हैं, नाइट एंड पेज। अब नाइट घर का सबसे बड़ा बच्चा हो गया। समबडी हु इज इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 35 साल, 18 to 35, पेज हो गया घर का सबसे यंगेस्ट मेंबर। समबडी हु इज द यंगेस्ट इन द फैमिली। नाउ लेट्स से समबडी आस्क मी विद हुम आई गेट मैरिड एंड द पेज कार्ड्स कम इन, दैट मीन्स यंगेस्ट इन द क्लैन, यंगेस्ट इन द फैमिली। ओके, अब चार कैटेगरीज जो हमारी हैं, किंग, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सिमिलरली क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप। सिमिलरली नाइट एंड सिमिलरली वॉन्ड्स। दैट मीन्स अगर फोर कैटेगरीज, फोर हेड्स हैं और फोर हमारे एलिमेंट्स हैं, 4 × 4 मेक्स 16 कार्ड्स। दिस मेक्स योर 78 कार्ड्स। नाउ वी बीन टॉकिंग अबाउट कार्मिक टैरो। व्हाट इज कार्मिक टैरो? नाउ कार्मिक क्या होता है, कर्मा क्या होता है? कर्मा बेसिकली मींस एनीथिंग दैट यू हैव डन और सेड और फेल्ट, लाइक एनीथिंग दैट यू डू इज कर्मा। वर्ड, थॉट, डीड इज कर्मा, ठीक है। अब आपने ऐसा क्या किया है या क्या आप कर सकते हो जो कार्मिकली गलत है?
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि हम हमारे कार्ड में हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे इस प्रोसेस को लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ शून्य कार्ड, द फूल कार्ड। ठीक है, सबसे पहले द नंबर शून्य मीन्स नथिंगनेस। ठीक है, अब नथिंगनेस का मतलब हुआ नॉट कैरिंग द बैगेज ऑफ द पास्ट। बट जब हम शून्य की बात कर रहे हैं, जब हम द फूल की बात कर रहे हैं, अब फूल को ध्यान से देखो। ही इज स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ, देर इज अ फूल हु स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ। अपने में मस्त मौला है, मस्त मगन है, अपने में पूरा घुमा हुआ है वो, मतलब मर्ज्ड इन हिमसेल्फ। नाउ देर इज अ सन राइजिंग, बिकॉज जर्नी शुरू हुई है, दैट मीन्स समथिंग इज राइजिंग, समथिंग इज स्टार्टिंग। देर इज अ येलो कलर। नाउ येलो कलर इज द कलर ऑफ पॉजिटिविटी, इज द कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इज द कलर ऑफ कॉन्शियसनेस। फूल की ड्रेस देखो, इसकी जो ड्रेस है इट इज वेरी वेरी चाइल्डिश, शॉर्ट ड्रेस विद बिग फ्लोरल प्रिंट। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो उसकी शॉर्ट ड्रेस है मगर प्रिंट ना बड़े बड़े हैं, दैट मीन्स चाइल्डिश, इमेच्योर। सो पर्सनालिटी में चाइल्डिश और इमेच्योरिटी रिफ्लेक्ट होगी। ध्यान से देखो, बूट्स पहने हुए हैं। कभी भी घर में पापा को, भाई को, हस्बैंड को अगर आपने देखा हो, नाश्ता करने के बाद वो बूट्स पहनते हैं, दैट मीन्स आई एम नाउ रेडी टू टेक एक्शन, मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। सो ही इज रेडी टू मूव अहेड, यूनिवर्स में जाने के लिए ही इज रेडी टू टेक अ स्टेप। अब उसके साथ एक डॉग है। अब वो डॉग क्या कर रहा है? अब वो डॉग उसको कह रहा है, रुक जा भाई, रुक जा, आंखें खोल के चल, यू आर एट अ फेज वेर यू माइट ट्रिप डाउन, बट ही इज नॉट लिसनिंग टू द डॉग। डॉग कौन है आपकी लाइफ में? योर ओन इंट्यूशन, योर इनर सेल्फ, योर इनर कॉलिंग। आप अपनी इनर कॉलिंग इंट्यूशन को सुनते हो या नहीं सुनते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। उसके हाथ में रोज है, दैट मीन्स ही इज वेरी वेरी इनोसेंट एट हार्ट, बहुत ही इनोसेंट है, छल कपट नहीं आती उसको। अब ही इज एट अ स्टेज जहां पर अगर उसने ध्यान नहीं दिया, ही माइट फॉल डाउन, ही माइट फॉल। अब डॉग उसको रोक रहा है, साथ में देर आर माउंटेन्स। अब माउंटेन्स यहां क्या कहते हैं कि देखो, रास्ते पे चल पड़े हो, ऑब्स्टिकल्स फेस करने को मिल सकते हैं। ठीक है, जब हम स्पिरिचुअलिटी के भी पाथ पे चले हैं, ऑब्स्टिकल्स फेस करने को मिल सकते हैं। मगर अब देखो, उसके हाथ में एक डंडा है जिसके ऊपर वो बैगेज है, वो बैग है। अब ये बैग दो किस्म, इसकी देर आर टू थिंग्स विद दिस बैग। कई लोग कहते हैं ये बैग
ऑफ द पास्ट है, पास्ट बैगेज, बट देन देर इज अनदर कॉल विच सेज कि जैसे ही ये बैग खुलेगा और हम हमारे नेक्स्ट कार्ड पे जाएंगे, वहां पर जितने भी माइनर आर्कना के सिंबल्स हैं वो इस बैग से आ रहे हैं, ठीक है? सो पास्ट का भी है और सिंबल्स का भी है। देन कम्स, अगर ये कार्ड, अब ध्यान से देखो एक और चीज है, डंडा क्या है? जब हम वैष्णो देवी की चढ़ाई पे आप जाते हो तो क्या होता है, आप एक डिटर्मिनेशन से जाते हो कि कोई भी रास्ता हो, कैसा भी हो, मैं चला जाऊंगा, आई एम डिटर्मिन टू गो। सेकेंडली, उसके सिर पे देर इज अ रेड फेदर जो कहता है लाइफ फोर्स, हम कहते हैं ना इससे मुझे हिम्मत आती है, एनर्जी, माई एनर्जी, एनर्जी लेवल। उसका एनर्जी लेवल क्या है? रेड कलर। रेड कलर क्या है? ही इज वेरी पैशनेट टू गो आउट, ही इज वेरी पैशनेट टू एक्सप्लोर। नाउ लेट्स से इफ समबडी आस्क्स मी कि मेरा जो पार्टनर है वो कैसा होगा, उसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, सो समबडी हु इज गोइंग टू बी वेरी इनोसेंट, समबडी हु इज गोइंग टू बी फुल ऑफ लाइफ, Somebody who's very energetic, young at heart. But somebody asks me कि मेरा अभी ना काम कैसे होगा, कि मैं, मेरा काम शुरू होने वाला कैसा होने वाला। अभी नया नया काम शुरू हुआ है, आंखें खोल के चलो, अभी काम की शुरुआत है। Have faith universe के अंदर, आंखें खोल के चलो, बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं चलनी है और पैसा नहीं लगाना, एक बार में खोल के चलना पड़ेगा। नाउ रिलेशनशिप में भी सेम है, व्हेन यू नो व्हेन यू आर इन लव विद समबडी, आप क्या करते हो? आप चश्मा पहन के रखते हो ऑफ लव, आपको हर चीज ब्यूटीफुल दिखती है, आप उस बंदे को एनालाइज नहीं कर पाते। तो ये कार्ड कह रहा है आंखें खोल के जाने, हम ये नहीं कह रहे कि वो इंसान गलत है, वो आपको धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इट्स अ यस कार्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, बट मस्त मौला है। हो सकता है कि अभी के लिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे क्योंकि मस्त मौला है, ठीक है? वो अपने में इमर्स्ड है, देख लेंगे ना यार, कर लेंगे ना यार, थोड़ी दिनों के बाद शादी कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद, अभी लेट्स एंजॉय इट। इट डज नॉट हियर मीन्स कि वो आपको मना कर रहा है, बट वो कैरेक्टर मस्त बोला है, ठीक है? बट कार्मिकली व्हाट इज गोइंग रॉन्ग हियर, द कार्ड सेज शून्य, दैट मीन्स ही इज नॉट स्टार्टिंग हिज लाइफ फ्रॉम शून्य। कार्मिकली मीन्स ही इज स्टिल कैरिंग द बैगेज ऑफ द पास्ट। अब वो पास्ट का कार्मिक क्या हो सकता है? रिलेशनशिप की हर्ट हो सकती है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ये हो सकता है कि उसका एक्स रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, दैट इज द वाई वो कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहा है। दिस इज नॉट हैपनिंग ऑन द कॉन्शियस लेवल, दिस इज हैपनिंग एट द सबकॉन्शियस लेवल। क्लियर? नाउ इफ दिस इज अ येस कार्ड और अ नो कार्ड, इट्स 100% येस। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू आर सेकेंड कार्ड, दैट इज द मैजिशियन। अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं, ये दो कार्ड्स आज इसलिए करा रही हूं टू लेट यू नो कि व्हाट आर वी गोइंग टू बी डूइंग इन आर कमिंग डेज, ठीक है? अब नंबर वन कार्ड, अब नंबर वन कार्ड हियर बेसिकली मींस समथिंग दैट इज स्टार्टिंग। नंबर वन क्या होता है? नंबर वन होता है जहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है, जहां से हमारी जर्नी शुरू होती है, जहां से हम किसी चीज की बिगनिंग करते हैं।
अब वहां पर एक मैजिशियन है। अब मैजिशियन क्या कहता है? मैजिशियन का एक तो पीछे कार्ड देखिए, कलर इज येलो, दैट इज अगेन पॉजिटिविटी, गुड कलर, कॉन्शियसनेस, गुड कॉन्शियसनेस। अब टेबल को अगर ध्यान से देखते हैं, टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर चारों सिंबल्स हैं जो हमारे माइनर आर्कना के हैं, विच ऑल्सो सेज देर आर फोर एलिमेंट्स प्रेजेंट, बट एट द सेम टाइम देर इज अनदर एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, द एदर, द स्पेस। अगर ध्यान से देखो तो उसकी एक वॉन्ड ऊपर है, डबल एंडेड, जो कह रही है द एदर, द स्पेस। उसके ऊपर एक इन्फिनिटी का सिंबल है, विच सेज एवरीथिंग विच इज कमिंग इज इन द इनफाइनाइट, इन द लूप, बैलेंसिंग, रिन्यूअल। देन उसके माथे पर एक, जैसे हम कहते हैं ना, कपड़ा बांध लेते इधर, कि जो करना है वो ठान लिया है, मैंने जो करना है उसको मैंने ठान लिया है। व्हाइट कलर का जो कपड़ा उसने पहना हुआ है, इट मीन्स दैट द पर्सन इज वेरी वेरी प्योर। रेड कलर क्लोक बेसिकली मीन्स ही इज एनर्जेटिक, प्रैक्टिकल, मटीरियलिस्टिक, पैशनेट, रेडी टू टेक एक्शन। नाउ इफ यू सी, देर इज डबल एंडेड वॉन्ड, दैट मीन्स डबल एंडेड वॉन्ड मतलब एज अबव एज बिलो। एज अबव एज बिलो का क्या मतलब हुआ? धरती और आसमान दोनों एक समान है। मेरे पास धरती की भी नॉलेज है, मेरे पास आसमान की भी नॉलेज है, मेरे पास यूनिवर्सल स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, मेरे पास धरती की भी नॉलेज। That means, and it is also giving a sign of the other, the space. अब उसकी बेल्ट की तरफ ध्यान से देखो। अब बेल्ट जो है उसपे आप अगर ध्यान से देखते हो, एक सर्पेंट है, ठीक है, स्नेक है, जिसको हम बोलते हैं आज, आज से अनंत तक, आदि से अनंत तक। दैट मीन्स जहां से शुरू हुआ वहीं से अंत है, और अंत और स्टार्टिंग एक है, ठीक है। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, कप्स की बात करते हैं, देर इज वाटर एलिमेंट, देर इज अर्थ एलिमेंट, देर इज एयर एलिमेंट, देर इज फायर एलिमेंट। मीन्स ऑल द फोर डायरेक्शंस, ऑल द फोर एलिमेंट्स आर देयर टू मेक यू नंबर वन, दे आर सपोर्टिंग यू टू बी नंबर वन। जहां पर भी ग्रोथ है, फ्लावर्स है, वहां पर ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। लिलीज का मतलब, और रोजेस का मतलब, रोजेस इज लव, लिलीज इज होप एंड अबंडेंस, ग्रोथ है। तो जहां पर ग्रोथ है वहां अबंडेंस आएगी ही आएगी। अब नंबर वन है, कार्मिकली ये क्या कर रहा है? नंबर वन सूर्य है। दैट मीन्स जब आपके पास नॉलेज है, पावर है, आप कोई भी चीज को कुछ भी बना सकते हो। मैजिशियन कौन है? मैं आपको ऐसे पेन दे रही हूं और पेन कॉर्क करके ऐसे करके इसमें फ्लावर बना देती हूँ। दैट मीन्स मैं मिट्टी को भी सोना बना सकती हूँ। फॉर मी दैट इज मैजिशियन। मैं मेरे बिजनेस को, डूबे हुए बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर देती हूँ, दैट इज मैजिशियन। बट कार्मिकली मैं क्या कर सक रही, क्या कर गलत कर सकती हूँ? जब मेरे को ये पता चल गया
मेरे अंदर वो हुनर है, आई हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज, आई हैव दैट यू नो थिंग टू टर्न एनीथिंग पॉजिटिव, एंड आई एम एट नंबर वन पोजिशन, आई कैन मैन्युपुलेट पीपल. रिमेंबर, मैजिशियन कैन बी अ मैन्युपुलेटर. मैजिशियन नोज हाउ टू मैन्युपुलेट पीपल. दैट इज वेयर ही इज कार्मिकली गोइंग रॉन्ग. एग्रेशन, फ्रस्टेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी. नाउ लेट्स सी इफ दिस पर्सन गेट्स मैरिड, ही इज, अब देखो बच्चा जब मैरिड हो, ये अगर बच्चा मैरिड हो रहा है, कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, समबडी हु सेज कि मेरी शादी किस इंसान से होगी, और मैजिशियन आ जाता है, समबडी हुज वर्कहोलिक, हु लव्स वर्क. दैट डज नॉट मीन कि वो आपसे शादी नहीं करेगा, या शादी का वादा करके आपसे शादी नहीं करेगा, वो करेगा, बट वो इतना वर्कहोलिक होगा कि आपको क्या, अरे यार मैंने शादी ही क्यों करी. समबडी हुज मटीरियलिस्टिक, समबडी हु लव्स वर्किंग, समबडी हुज नोन फॉर हिज वर्क, बिकॉज मैजिशियन लव टू बी नंबर वन, मैजिशियन लव्स टू वर्क. अब ध्यान से देखो, देर इज नो ब्लू कलर ऑल्सो हियर, देर इज वेरी लेस ऑफ ब्लू कलर, दैट मीन्स दैट देर इज वेरी लेस ऑफ इमोशंस. ही इज हार्ड कोर वर्कहोलिक. अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, अगेन इफ यू आर सिंगल यू विल गेट मैरिड, मैरिड हो तो बच्चे हो, समथिंग विच इज स्टार्टिंग, यू नो रिलेशनशिप जो भी नया नया शुरू हुआ है. अब वो रिलेशनशिप कैन बी रोमांटिक रिलेशनशिप, इट कैन बी एनी एनी डेवलपमेंट इन द रिलेशनशिप, बट करियर वाइज अगेन यू विल बी टचिंग द स्काई. मैजिशियन है, यू विल बी स्टार्टिंग समथिंग, प्रमोशन हो सकती है, नया करियर स्टार्ट हो सकता है, नई जॉब लग सकती है. कार्मिकली वेयर द पर्सन इज गोइंग रॉन्ग, अगेन डोमिनेशन, ही इज डोमिनेटेड आइदर वर्क फ्रंट और फैमिली फ्रंट, और ही इज मैनिपुलेटिंग पीपल टू गेट फेमस. सो दैट इज वेयर वी नीड टू सी कि हम कहाँ पर कार्मिकली गलत कर. अब हम आगे वाले दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं, इसी तरह से हम हर कार्ड का कलर लेंगे, नंबर्स लेंगे, हम सिंबल्स लेंगे, कैरेक्टर लेंगे, रिलेशन में आ गया तो क्या बोलोगे, करियर में आ गया तो क्या बोलोगे, कार्मिकली गलत कहाँ जा रहा है. इस तरह से हम हमारे हर कार्ड को नंबर वाइज, सिंबल वाइज, कैरेक्टर वाइज, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू बी रीड. सो दैट इज वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, और ये जर्नी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज टैरो जो है इन डेप्थ है. आप आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग चीज भी पढ़ोगे, वो है दो कार्ड्स के बीच का कनेक्शन. जैसे कार्ड नंबर 11 और कार्ड नंबर 2 में एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन कैसा है. पर्सनालिटी टेस्ट भी किसी को हम कहते हैं. पर्सनालिटी टेस्ट क्या है कि अगर कोई आकर बहुत इंटरेस्टिंग भी बोलता है, अच्छा अंजलि जी अब आप मुझे बताइए कि आप मेरे बारे में क्या जानते हो, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, और उससे भी आप कैसे उसकी पास्ट के बारे में या उसकी लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में बताओगे. देर इज अ स्पेशल टेक्निक टू इट. सो ये सब हम हमारी कार्मिक टैरो में करने हैं. ठीक है, क्लियर है, चलो. जस्ट अ सेकेंड.